नर्मदा की पुण्य भूमि महेश्वरी की धरती पर प्रियंका गांधी का झूठा बयान और लालच की बातें शोभा नहीं देती। हम नर्मदा के किनारे रहने वाले लोग बहुत भूख की चिंता नहीं करते हैं, हम सम्मान की चिंता पहले करते हैं। और उसे झूठी बातें कभी भी हमारे आदिवासी बंधु को रास नहीं आती है। और इसलिए मुझे लगता है जिस गैर जिम्मेदारी के साथ उनने बातें कही हैं, इसकी निंदा करने के लिए भी शब्द नहीं है। वो अगर ये कहती हैं कि संख्या सामने आ जाएगी आदिवासियों की, तो भरवछिपा डर रही है। देश की आजादी के बाद आदिवासियों और हरिजनों की गिनती होती रही है। इतनी अज्ञानी नहीं है प्रियंका गांधी, वो जानबूझकर ये षड्यंत्र कर रही, धोखा कर रही है। उन निश्चल लोगों को छलने का काम ये कोशिश की है प्रियंका ने, सफल नहीं होगी। जितने अधिकार और जितनी सुविधाएं जनजातियों को मध्य प्रदेश की सरकार ने दी है, जैसे किसी सरकार ने नहीं दी, उनकी पढ़ाई का मामला हो, उनके छात्रावासों का मामला हो, उनके खान पान का मामला हो, उनकी संस्कृति का मामला हो, किसी भी मामले में, इवन वनाधिकार का मामला हो, जितना भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है, किसी और सरकार ने नहीं किया, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में कहा बात है, खड़ी भाषा है लेकिन मीठी भाषा है, कि हमारे बाप ने घी खाया है और हमारा मुंह सूंघ लो। लेकिन ऐसा समाज में होता नहीं है, लोग व्यंग करके कहते हैं ये बात। जब कोई ऐसी बातें करता है तो उसके लिए ये कहावत कही जाती है। प्रियंका गांधी की कितनी ही गलत फहमी है, वो सफल नहीं होती। ओबीसी जनगणना को लेकर बात भी उसी को मिलती है, तो आपको क्या मानना है कि जनगणना होनी चाहिए कि नहीं? देखिए, इसमें नियत पर खोट है, विपक्ष के और कांग्रेस के नियत पर में खोट है, ऐसा मेरा आरोप है उन पर। मैं उसी वर्ग से आता हूं, और अभी नहीं, जब मंडल कमीशन चरम पर था तब मैंने ये बात कही थी कि मेरी जाति पिछड़ी है, मैं पिछड़ा नहीं हूं। लेकिन मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि देखो, इतिहास को पलटकर देखो, मुगलों ने और अंग्रेजों ने जिन पिछड़ों को पिछड़ों में डाल रखा है या उनको ढकेल दिया गया, उन सारी जातियां इस देश पर राज करती रही। लेकिन हमें कारण वो जानने पड़ेंगे कि हम पिछड़े बने कैसे। जिस दिन इसका उत्तर मिलेगा, उस दिन ये सारे तमाशे बंद हो जाएंगे। और इसलिए मुझे लगता है कि बिना जाति का नाम लिए हम उन्हें प्रखंड नेतृत्व दें, सफल नेतृत्व उसके बीच पैदा करें। और ये काम भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी किया है। मध्य प्रदेश देखिए, 18 साल में हैट्रिक लगाई है हमने, तीनों पिछड़े। हमने कभी कहा नहीं, लेकिन हमने दिए। लेकिन इन्हें सुभाष यादव को नहीं बनने दिया, तुलना कर लीजिए। फिर दूसरा, प्रधानमंत्री की बात करिए, जरा आप नाम बता दीजिए। नहीं तो अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं, देश नहीं जानता था कि वो पिछड़े हैं कि अगड़े हैं, लेकिन आज बताना पड़ रहा है हमको कि वो पिछड़े हैं। हमारे सांसद, हमारे विधायकों की संख्या है देश के भीतर, रिकॉर्डेड है, आप उसमें उठाकर देखिए। 27% सांसद पिछड़े हैं, 30% से ज्यादा विधायक पिछड़े हैं। तो मुझे लगता है भाजपा ने कभी अगले पिछड़े की बात नहीं की, लेकिन नेतृत्व सभी वर्गों को दिया, ये हम इस बात का गर्व है। और आखिरी जो पिछड़ा वर्ग कमीशन, जिसकी सबसे पहली जरूरत थी, कांग्रेस ने नहीं दिया, वो मोदी जी ने दिया। उप लगाने से क्या, जितनी चीजें मैंने कही ये तथ्य से परे हो तो आप वो ना करें, लेकिन जो चीजें सामने हैं वो अपना रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड बताए ना कि आपने क्या किया है। बंटवारे की नियत है और इस समाज और देश को कमजोर नहीं होने दिया जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प। पहले भी तो थी, उन्हीं की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार रही है, कदम कुछ किया हो तो नाम बताएं। मंडल कमीशन के बाद तो चलनी शुरू हो गई थी, नौकरियों में आरक्षण मिला लेकिन विधानमंडल में और लोकसभा में नहीं मिला, तब क्या कर रही थी कांग्रेस, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। कमलनाथ तो लगातार पहले भी आरोप लगा चुके हैं कि 27% हम दिए थे, उसको लेकर आगे पक्ष हमारी सरकार गिर गई और जो बीजेपी की सरकार है उसने अपना पक्ष कोर्ट में से लिया। झूठ, आप झूठ बात कर रहे हो, सच नहीं है।